केंद्रीय संस्कृति और विदेश विभाग की राज्य मंत्री बहन मीना की लेखे जी, दिल्ली के सांसद भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन जी, श्री रमेश सिंधोई जी हमारे सांसद महोदय, सचिव खेल श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, श्री संजय कुमार जी सचिव युवा मामलों के, डीजी एसएआई श्री संदीप प्रधान और श्री मेहुल जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, आए हुए सभी युवा साथियों और विशेषकर जिनको विदाई देने के लिए मैं आया हूं कि बाइक रैली में सम्मिलित होने वाले 120 साहसी बाइकर्स को मैं खूब खूब शुभकामना देकर मेरी बात की शुरुआत करना। मीडिया के लोग जरा माइक आपका कैमरा सेट करके बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए या तो आप इस कोने में आ जाइए, सिक्योरिटी वाले इनको इस कोने में आ जाने दो, ऊपर आ जाइए भैया, आप इस ओर आ जाइए। मित्रों आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली फ्रीडम बाइकर रैली जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था किसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे, मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का।